राम चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बसंत भी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ना मौसम बहुत खराब है, धुंध पड़ी हुई है, एकदम से कोहरा है। और आज मेरे घर ना ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, तो देखो मैं रख रही हूँ आलू बोली होने के लिए, क्योंकि बनाऊंगी सब्जी, दाल और रोटी, चावल। तो आज थोड़ा लेट ही सो के उठी, क्योंकि मैंने कल रात को ना लेट नाइट तक काम किया था। लगभग बारह एक बज गए थे, मतलब सोते सोते काम तो हो गया था जल्दी, तो इसलिए अभी सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि देर हो गई थी ना रात में। तो ये सारा काम, सफाई वगैरह करनी थी और सब कुछ। The next day. इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कुछ भी काम आज तक भी नहीं किया। आज मैंने टोटली रेस्ट किया, क्योंकि दो दिन से बहुत काम किया तो बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। ये देखिए अभी भी मैंने कुछ भी क्लीन भी नहीं किया, सारा वैसे ही पड़ा हुआ है ये देखो। क्योंकि परसों ना मैं रात को लगभग 11 बजे तक सफाई करी है और सारा काम, इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ अकेले रहने के बहुत सारे नुकसान हैं। क्योंकि अगर फैमिली साथ में होती है या एक दो लेडीज भी और भी होती है, कोई भी होती है, तो हेल्प हो जाती है। बट मैं अकेली हूँ इसलिए मेरा दरवाजा भी खुला पड़ा। ये देखो बाहर का ये सीन देखो सारा। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मेरे बाल सारे झड़ गए ये देखो, और वाइट भी हो गए सारे। क्या करें, पता नहीं थायराइड की वजह से क्या रीजन है, सारे बाल झड़ गए। तो अभी मुझे टोटली ये सारा देखो सारा ऐसे खलारा पड़ा हुआ है, सब क्लीन करना है। कुछ भी नहीं, मैंने कहा आज तो, क्योंकि रात को ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि आज मुझे रेस्ट करना चाहिए। अभी बाहर का भी सारा काम पड़ा हुआ है ये देखो, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, ना किचन का कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आज शुभम का स्कूल था तो उसके लिए और सबके लिए सिर्फ खाना बनाया था बस। उसके बाद मैं लेट गई थी, फिर मैं अब उठी हूँ थोड़ी देर पहले, फिर अब मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ दाल चावल, पालक की दाल और चावल। और उसके बाद फिर मैं अब चल रही हूँ क्लीनिंग करने सारी, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी ना बस। और सर ना पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें ये दुख रही थी, ये इतना ज़्यादा ये दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। या तो फिर कल खाना लेट खाया था, खाना क्या सब लोग आ गए थे तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा। मैंने 12 बजे तक चाय भी नहीं पी रखी थी, उसके बाद ही जो है अब मैं बना रही हूँ ये देखो सारा ऐसे ही पड़ा ही है। अब दाल बनाऊंगी, चावल मेरा बन गया, तो चावल मेरा रेडी हो गया, दाल बन रही है। सिंक में बर्तन दिखाऊं कितने हैं, कल के भी गेस्ट जो आए थे सारा मेरी सिंक कह रही अब तो रहने दो, ये देखो इतने ज्यादा बर्तन है, अब ये मेरे धोने हैं। तो चलिए मैं अपना ये फटाफट बर्तन सारे धो लेती हूँ। हे गाइस, तो हमारा लंच रेडी हो चुका है और सबने खा लिया। अब मैं कर रही घर की सफाई, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। अभी शिवम के रूम की कर रही हूँ, ये देखो सारा खिंडा के रखता है। वैसे सांप भी यही करता है, मैं तो झाड़ू लगाती हूँ बस, बाकी सेटिंग यही करता है। पता नहीं कहाँ से इतना गंद आ जाता है, देखो बाल बाल से दिखते रहते हैं ये सारे। अभी दादा को भी चाय बना के दे दी है। अब दादा को ना चाय खाना खाने के बाद ही देती हूँ, क्योंकि पहले पी लेते थे ना खाली पेट, चाय ही पीते थे, तो उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर
फिर मैंने चाय बंद कर दी। अब मैं उनको सवेरे सबसे पहले रोटी और सब्जी देती हूँ, उसके बाद में देती हूँ फिर चाय। फिर वैसी थोड़ी ना भूख भी कम हो जाती है चाय से, इसलिए मैंने कहा पहले खाना खाना है फिर उसके बाद में चाय। फिर वो रेडी भी हो गए तो अब वो चाय नहीं पीते, इसीलिए मैंने बाद में, मैंने किचन भी लगभग लगभग साफ कर दिया। ये देखो चमका दिया। कल वो सब आए थे, लड्डू आया था घर में, ढेर सारी चीजें आई थी, ज्यादा कोई खाता नहीं है तो इसलिए। फिर मुझे लगते हैं ये थोड़े वैसे से है, हार्ड से है, इसलिए मुझे झाड़ू झाड़ू लगाते हुए कम से कम ना 20 मिनट लग जाता है सारी जगह झाड़ू झाड़ू मारने में ही, इसलिए काफी टाइम जाता है। ठीक है, तो अभी चल रही हूँ मैं छत पे, ये थोड़े चावल बचे हुए हैं तो इनको मैं डालूंगी चिड़िया को। छत पे चलती हूँ। मैंने थोड़ी सी ना दलिया बची हुई थी वो डाल दिया, वो पता नहीं क्यों खाते ही नहीं है ज्यादा। चिड़िया तो खाते हैं पर शायद कबूतर, पता नहीं कोई होगी वजह। तो ये थोड़ा सा चावल था, चावल वगैरह बचता है ना डाल देती हूँ, सब खा लेते हैं। आज देखो मौसम कितना अच्छा रखा है, ये देखो। दादा लेटे पड़े हैं अभी, देखो ये देखो मैंने दलिया डाली हुई है, ये देखो बहुत कम खाते हैं। अभी ये चावल डाल दूंगी, इधर की ना सफाई करनी है, बहुत गंदा हो गया इधर, साफ करना सारा जो चावल वेस्ट है उसको हटा देना है। ये देखो मेरे यहाँ छत पे गुड़ैल का फूल बहुत अच्छा खिला हुआ है। आज सारी तरह डीजे डीजे बज रहा है। आ? अच्छा लकड़ी में बोल अटका। अच्छा तो कहा कि भैया तथा या बोल कहा थी तू ऐसा बोल रहा था। अच्छा तो उसी लिए तो गांठ में जब तो लगी हुई है। आपके लिए लकड़ियां सूख रही है। शुभम चाय लेके आया ना तो गलत रास्ते से जा रहा था, फिर दद्दू ने उसको रोका तो दद्दू को ही उल्टा बोल रहा था। अभी पूछती हूँ उससे, बड़े है ना बड़े कुछ भी बोलते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं और बच्चे एक समान होते हैं। तो कभी भी अगर बुजुर्ग कुछ भी कहता है तो उनकी बातों को या कुछ भी हो दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, उसी तरह जो बुजुर्ग होते हैं हमें उनकी बातों का भी बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। ये हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए और हमें खुद भी समझना चाहिए। ये गैस तो देखिए हो गई है रात, और मैंने बनाया आज क्या, ये हरा धनिया पीस के ना और आलू फ्राई कर रखा है खाने के लिए। ये जितना देखने में टेस्टी है ना खाने में टेस्टी है। और मैंने दोपहर में बनाया था दाल चावल, वो भी रखा है खाने से। मिर्ची डाली है ना ढेर सारी, एंड स्पाइसी सा बनाया हुआ है तो वही, और दाल चावल रखा हुआ है, और ये आलू फ्राई भी बना लिया है मैंने। अब बनानी है सिर्फ और सिर्फ रोटी, चलती हूँ देखती हूँ और क्या रह गया काम। लाइटें कर दी है बंद, अपने रूम में आ गई हूँ। अभी ना राम आए नहीं है तो अभी रोटी नहीं बनाऊंगी, रोटी थोड़ा रुक के बनाऊंगी जो है। आज की मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।